हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा आसन लेकर आया हूँ, जिस आसन को करने से अगर आपको भूख कम लगती है तो वो आसन करने से आपकी भूख बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और जिन पर्सन को कब्ज रहती है ये कब्ज की समस्या रहती है, तो उनके लिए आसन बहुत ही बेनिफिट और फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही आसन लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं उस आसन के बारे में कि क्या क्या बातें हैं और कैसे कैसे उसको करना चाहिए, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या किन किन लोगों को करना चाहिए। ठीक है, नंबर एक बात, जिनको भूख कम लगती है कि अचानक क्या होता है कि बंदे को भूख लगना कम हो जाती है, वो कम खाना खाता है, उनके लिए आसन बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जिन बंदों को कब्ज की समस्या ज़्यादातर रहती है, आमतौर जो ज़्यादा एज के पर्सन रहते हैं उनके लिए क्या होता है कि उनको कब्ज की समस्या रहती है और उनको खाना भी कम पड़ता है, तो उनके लिए एक ऐसा आसन लेकर आए हैं जिन ना तो उनको कब्ज होगी और भूख भी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, अगर आप इस आसन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, पूरा देखना चाहते हैं तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी पता लगेगा कि वीडियो में क्या क्या बताया गया है। अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे तो उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा नहीं आपको, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और एंड तक देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस आसन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पद्मासन में आ जाना है। अब पद्मासन में आ जाना है, अगर आप बिगनर हैं, शुरू में मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई नए लोग अगर नई वीडियो देख रहे हैं, तो क्या अगर आपको पद्मासन के बारे में नहीं पता है कि कैसे करना है, क्या करना चाहिए, तो पद्मासन के लिए मैंने ऊपर आई कार्ड बटन दिया हो, आई कार्ड बटन में आपको पद्मासन का फुल ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगा कि पद्मासन कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए, उसको देख कर आप पद्मासन सीख सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपका कोई डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पद्मासन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो पहली वाली टांग है इसको आपने अपने थाइस पर रख लेना है और दूसरी टांग को भी आपने क्या करना है, थाइस पर रख लेना है। ठीक है, फिर ये हो गई हमारी पद्मासन की पूरी आसन। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपने क्या करना है, धीरे धीरे क्या करना है, अब दोनों टांगों के बीच से क्या करना है, अपने हाथों को ऐसे आगे को निकाल लेना है। ठीक है, ऐसे एक हाथ को निकाल लिया तो इसका सहारा ले लिया नीचे। ठीक है, ताकि आप गिरे भी ना। ठीक है, मन को स्थिर रखना है, अब मन को स्थिर रखेंगे तभी आप फोकस कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब आगे जैसे सहारा ले लेना है। ठीक है, अब ये टांगों क्या करना है, आपने बिल्कुल आगे निकाल लेना है ताकि आपको आसानी रहे। ठीक, और इस आसन का नाम मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। ठीक है, तो चलिए करते हैं आसन। ये है वो आसन, इसको आपको क्या करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है और इस आसन में ज़्यादा देर नहीं रहना है, एक मिनट या दो मिनट तक भी करते हैं आप डेली, तब आपको इसका फ़ायदा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, धीरे धीरे नीचे आ जाना है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे नीचे पाँव को ले आना है। अब आपने क्या करना है, जैसे आपने हाथों को निकालना है तो एक हाथ क्या करना है, आपने सहारा ले लेना है ऐसे नीचे और ये हाथ को आसानी से निकाल लेना है। ठीक है, फिर दूसरे हाथ कैसे साइड में रख लीजिए और इसको भी ऐसे निकाल लीजिए, इससे क्या होगा आपका बैलेंस भी बना रहेगा। अब बैलेंस बना रहेगा तो आपको बैलेंस बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब क्या करना है, आपने धीरे धीरे अपनी टांगों को खोल लेना है ऐसे बिल्कुल बिल्कुल धीमे धीमे पद्मासन से वापस आ जाना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, आपने गहरी सांस ले लेनी है, देखो ऐसे। इनहेल और एक्सहेल। ठीक है, कोई भी आसन या प्राणायाम होता है उसके बाद में अंत में आप क्या करें, प्राणायाम से स्टार्ट करें। देखिए ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे किया आपने, ये इस नाक से दबाया और दूसरे नाक से धीरे धीरे निकाल दिया। प्राणायाम करने से क्या होता है, आपका जो शरीर में ऑक्सीजन लेवल होता है वो बिल्कुल स्थिर रहता है, सही रहता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस आसन को करने के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, इस आसन को करने से क्या होता है, आपकी जो
टांगे होती है, ठीक है, आपकी भुजाएं होगी, हाथ हो गए, कलाई होगी, और ये चीज़ होगी शोल्डर हो गए आपके, ठीक है, और कमर, कमर को सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक लाभ पहुंचता है। और साथ ही साथ इस आसन को करने से क्या होता है, आपकी भूख बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप एक मंथ कंटिन्यू करेंगे, कंसिस्टेंटली करना है किसी भी चीज़ को अगर करना है, ठीक है, एक फोकस के साथ करना है, आपकी भूख दूर हो जाएगी, और नंबर दो आपकी कब्ज़ दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो बातें थी जो मैंने आपको अब बता दी, ठीक है। अब इस आसन के बाद क्या है कि बहुत सारी चीज़ें रहती है, आपने कैसे करना है, आप इसको भूखे पेट कर सकते हैं सुबह, क्या करना है, आपने फ्रेश हुई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 3, 4 या 5 बजे उठ जाइए, सूर्योदय से पहले उठना है, ठीक है, फिर आप इस आसन को कर सकते हैं नहा धो के एन बढ़िया करके, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, देखिए अब ये जो आसन है, इस आसन को करने के लिए हो सकता है आपको दिक्कतें भी आए, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी आसन के बारे में, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दे दूंगा अगले या नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब आप मेरे चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के ऑल पर सेट कर लो, ठीक है, जिससे क्या आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे, ठीक है, और जो मुझे सबसे पहला कमेंट करेगा किसी भी चीज़ के बारे में, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। मेरे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है और कमेंट कर देना है, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने को सोशल मीडिया लिंक्स दिए हुए, ठीक है, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक दैट इंस्टाग्राम हो गया, जॉश हो गया, ठीक है, उस पर भी आप क्या कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर भी अपने कंटेंट क्रिएट करता रहता हूँ, ठीक है, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आसन, इस आसन का नाम मैं आपको बता देता हूँ, हाँ लास्ट चीज उत्तर रह गई, मुझे लगता है आप भूल गए शायद, इस आसन का क्या नाम है, इस आसन का नाम है कुक्कुटासन, कुक्कुटासन, इसको हम अगर देसी लैंग्वेज बोले तो मुर्गासन बोल सकते हैं, ठीक है, इसको मुर्गासन बोलते हैं, कुक्कुटासन। इसको करने के क्या फ़ायदे हैं, कब्ज़ दूर होती है और भूख बढ़ती रहती है, ठीक है, धन्यवाद।